हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन बी है उसको कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम आंसर बताएंगे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से देख लीजिएगा वहाँ पर मैंने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बाकी सेक्शन का लिंक अपलोड कर रखा है तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को सेक्शन बी में ओवरऑल ट्वेंटी फोर होंगे जिसमें से आपको ट्वेंटी क्वेश्चन करने होंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्विजीशन ऑफ अ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी बाय अ फॉरन ऑस्ट्रेलियन कंपनी विल भी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट क्रेडिट साइड में जो भी इनफ्लो होता है वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में जो भी आउटफ्लो होता है वो रिकॉर्ड होता है अगर इंडियन कंपनी कोई फॉरन कंपनी खरीदती है तो हमको पेमेंट करेगी पेमेंट करेगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इनफ्लो होगा नेक्स्ट रीजन दी है इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज अभी हमने ऊपर बताया कि इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो यहाँ लिख दिया इन्होंने आउटफ्लो मतलब ए सही है आर रीजन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है सपोज इन एन इकॉनमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ़ फोर हंड्रेड करोड लीड टू क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट वर्थ 4000 थाउजेंड एक इकॉनमी है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट था फोर हंड्रेड करोड जिससे वो 4000 थाउजेंड करोर्स का टोटल डिपॉजिट बन गया ये एल आर आर वाला कॉन्सेप्ट है लीगल रिजर्व रेशियो अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी रिजर्व रिक्वायरमेंट पूछा है कि कितनी रिज कैश सी आर आर जो होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो देखिए टोटल डिपॉजिट का हम लोगों को फॉर्मुला पता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू वन अपॉन एल आर आर तो आपको एल आर आर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना है जो ऊपर आ जाएगा और टोटल डिपॉजिट डिवीजन में आ जाएगा तो इनिशियल डिपॉजिट क्वेश्चन में फोर हंड्रेड करोड़ है और टोटल डिपॉजिट फोर थाउजेंड करोड है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है रीजन एंड एजर्शन का है तो एजर्शन देखते हैं क्या दिया मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवोल्यूशन इनिशिएटिव्स लिए थे उससे क्या हुआ हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन सही है क्योंकि इस ग्रीन रिवोल्यूशन से जो इंडिया थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी फूड ग्रेन्स में इसका रीज़न क्या है द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिन नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन ऐसा नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन ये लाइन जो लिखी है ये तो सही लिखा है कि जो प्रपोर्शन है वो डिक्लाइन नहीं हुआ लेकिन जो एजर्शन दिया है उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है उसका ये रीज़न नहीं बन रहा है कि वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है ये और रीज़न जो दे रहा है वो उसका रिजल्ट बता रहा है रीज़न तो नहीं दिया उसका एजर्शन का ये रीज़न नहीं है ये उसका रिजल्ट है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो बी इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्राम द फॉलोइंग इनकरेट स्टेटमेंट ढूंढना है डायवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल लाइवलीड रूरल पॉपुलेशन अगर डायवर्सिफिकेशन होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का तो ऑब्वियस है सस्टेनेबल रहेगा लाइवलीड नेक्स्ट है डायवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न सही लिखा है शिफ्ट टू वर्क फोर्स फ्राम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सही है डायवर्सिफिकेशन का यही मतलब है कि हम अपना जो प्रोडक्शन uh, जो भी कल्टीवेशन uh, करते हैं उसमें क्रॉपिंग करते हैं अलग अलग मेथड से करें और शिफ्ट करें वर्क फोर्स को एग्रीकल्चर क्योंकि वहाँ डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होता है दोनों सही लिखे हैं थर्ड देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज़ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में तो क्या वो रिस्क है उनके लिए नो no, रिस्क नहीं है अगर नई मशीन आ रही है जिससे आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्रीज हो रहा है तो वो रिस्क नहीं है वो एक एडवांटेज है सो दिस इज़ योर आंसर ये गलत लिखा इनकरेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ठीक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये लाइन जो है वहीं लिखी है इसका मतलब होता है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने में ही एक एंड है इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है सही लिखा है तो एजर्शन इज द करेक्ट वन अब देखते हैं रीज़न क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ अच्छा बताइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या कम हो जाएगा अगर एजुकेशन और हेल्थ पे हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ इज द प्रायोरिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट तो ये गलत लिखा हुआ है रीजन गलत है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम वन नेम ऑफ द स्कीम एंड कॉलम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट दो कॉलम है एक में स्कीम के नेम है एक में उसके ऑब्जेक्टिव हैं पावर्टी एलिशन प्रोग्राम्स रिलेटेड तो हमें जो करेक्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट जो फॉलो कर रहे हैं कॉलम वन और कॉलम टू जो करेक्टली मैच किया गया है उसको सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा है यहाँ पर इम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है और यहाँ पे सामने लिखा है इन्फ्रा तो गलत है ये दूसरा है पोषण अभियान मिड डे मील गारंटीड वेजेस ये भी रॉन्ग है ये तो क्योंकि जो कॉलम टू में लिखा है गारंटी वेजेस ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है मतलब ए और बी दोनों रॉन्ग है सी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस ये सही है सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो चलाया गया था वो पेंशनस के लिए चलाया है चलाया गया था सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन तो आंसर भी सी है सी स्टेटमेंट दिया हुआ है द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर द रिडक्शन इन द फिशर ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम फिशर देखिए यहाँ इसका फिशर का मतलब है कि फिशर uh, को हिंदी में कहते हैं दरार मतलब एक तरह से uh, जो गैप है उसको हम फिशर का वर्ड यूज कर रहे हैं और यहाँ लिखा क्या है इमरजेंस ऑफ जब सेल्फ हेल्प ग्रुप आया उससे क्या हुआ ये जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और इनफॉर्मल के बीच में जो गैप था उसको इसने फिल किया सही लिखा सेल्फ हेल्प ग्रुप इसीलिए बनाया गया था तो आपका स्टेटमेंट वन तो सही है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है द बोरोइंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पज बाय इट्स मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपनी खुद की हेल्प करने के लिए बनाया गया था तो वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए था कोई आपका प्रोडक्शन पर्पज से रिलेटेड नहीं था दोनों स्टेटमेंट सही हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट वन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइन द रिजर्व रेशियो प्रिविलिंग इन द मॉनिटरी सिस्टम देखिए स्टेटमेंट वन एकदम सही है क्योंकि जो रिजर्व हमें मेंटेन करना होता है वो रेशियो के अकॉर्डिंग चलता है जो मॉनेटरी सिस्टम आर डिसाइड करता है सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स uh, होते हैं जिस पे ये जो क्रेडिट क्रिएशन है डिपेंड करता है तो इसमें सिर्फ डायरेक्टली लिखा है तो ये गलत है तो स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज हमें यहाँ पे ऑर्डर में लगाना है तो देखते हैं सबसे पहले क्या बनाया गया था सबसे पहले जो है रेलवे आया था ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे रेलवे को फिर उसके बाद हमारा स्विज कैनाल को ओपन किया गया था फिर आपका सेकेंड आएगा टाटा आयरन स्टील कंपनी बनी थी फिर द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था लास्ट में ईयर ऑफ़ ग्रेट डिवाइड आएगा तो सी और डी ऑप्शन पहले ही आपको पता चल जाएगा उसमें से आपको बस थर्ड और फोर्थ को क्लासिफाई करना होगा क्वेश्चन इज गिवन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजनिंग का है तो चलिए चेक करते हैं क्या है एजर्शन दिया है ट्रेड ऑफ इन विजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में आता है विजिबल एंड इन विजिबल आइटम जो मर्चेंडाइज और ये सारी चीज़ें होती हैं वो आपके करंट अकाउंट का पार्ट होती है तो ए गलत दिया है रीजन देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज कैपिटल अकाउंट सही लिखा है एसेट और लाइबिलिटीज रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती हैं तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है ए आपका सही है और आपका आर जो है सॉरी ए फॉल्स था आर ट्रू है क्योंकि हमने यहाँ देखिए ए बताया ना गलत है वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जब हम डिमांड करें बैंक से वो तुरंत दे दें हमें तो कहाँ कहाँ ऐसा होगा करंट अकाउंट में होगा सेविंग अकाउंट में होगा फिक्स डिपॉजिट में तो एक टाइम के बाद होता है ना और पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का भी अलग सिस्टम होता है तो ये आपका आंसर है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट वर्ड नहीं यूज़ होता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन एंड रीजनिंग तो एजर्शन दिया सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज़ इम्प्रूवड एज हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम सही है पहले तो सिर्फ जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो उनको ग्रो करना पड़ता था अब इंडिपेंडेंस के बाद से क्या होने लगा जो उनको ग्रो करना है करी तो ये सही लिखा है स्टेटमेंट ए इज़ जो है वो करेक्ट है वेराइंग क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंडिया में अलग uh, अलग तरीके वेदर कंडीशंस होती हैं अलग अलग रीजन में तो इससे इंडिया को अलग अलग तरह की डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने का एडवांटेज है तो दोनों सही है और उसका रीज़न भी सही है सो so, देखते हैं क्या दिया ऑप्शन एज है जो है आपका वो आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन रीजनिंग एजर्शन इज डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को करने के लिए कन्वीनियट है दूसरा क्या डिमांड डिपॉजिट आर नॉट विद्रॉएबल देखिए रीजन तो गलत हो गया ए हमें सही लग रहा है तो देखिए एजर्शन इज़ ट्रू बी इज रीज़न इज़ फॉल्स अच्छा बी क्यों रॉन्ग है डिमांड डिपॉजिट तो वो डिपॉजिट होते हैं ना जो कभी भी विद्रॉ हो सकते हैं जब हम बैंक से डिमांड करें इतना तो निकाल सकते हैं या नॉट विद्रोएबल लिख दिया गलत हो गया चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू बी फिल्ड इन द गिवन ब्लैंक तो देखिए दो ब्लैंक बने हुए एक लो प्रोडक्शन लिखा है फिर ए लिखा है फिर लो आपका यहाँ पे क्या लिखा है शो नहीं हो रहा है फिर बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या होगा लो प्रोडक्शन के बाद क्या होगा लो लेवल ऑफ इनकम होगा अगर लो प्रोडक्शन होगी तो इनकम भी लो होगी फिर लास्ट में इन्वेस्टमेंट भी फिर लो हो जाएगी यहाँ पे क्लियर नहीं था क्वेश्चन तो हमने बस आंसर यहाँ टिक कर दिया सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एम एस रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर ठीक है शी इंटेंड्स टू स्पेंड अ अज अमाउंट टूवर्ड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफर वर्कर्स बिफोर पोटिंग देम टू वर्क सही कर रही है किसी को भी अगर रख रही है तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रही है मतलब एक ह्यूमन जो है स्किल्स को डेवलप कर रही है इट एग्जिबिट द राइट स्टेप इन दायरेक्शन ऑफ ह्यून कपिटल फॉर्मेशन सही लिखा स्पॉट विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय एम एस रमनप्रीत कौन सी चीज जो है ये उसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें कर रही है तो एड स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज सही लिखा इंप्रूव एफिशेंसी ये भी सही लिखा इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इक्विटी जेंडर से रिलेटेड तो यहाँ बात ही नहीं हुई यहाँ पे स्किल्स स्किल्स चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो तो आपका सी जो है वो सही है आंसर क्वेश्चन इज सपोज दैट दट बी टी ऑफ अ नेशन एक्जिबिट सरप्लस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका विजिबल और इनविजिबल आइटम्स आते हैं रिलेटेड टू मर्चेंडाइज गुड्स सर्विसेज द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ द नेशन इज द हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो इम्पोर्ट है वो आधा है किसका एक्सपोर्ट का और सरप्लस जनरेट आई ट्वेंटी थाउजेंड क्या पूछा द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी एक्सपोर्ट की वैल्यू पूछ लिया गया तो हमें बी का फॉर्मूला पता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट देखिए हमने सॉल्व किया तो अगर हम क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है ना कि इम्पोर्ट जो है वो आधा है एक्सपोर्ट का तो मतलब एक्सपोर्ट डबल है इम्पोर्ट का तो इम्पोर्ट का अगर हम एक्स ले तो एक्सपोर्ट डबल हो जाएगा टू एक्स तो एक्स माइनस ट्वेंटी थाउजेंड मिल गया हमें आपकी एक्स की वैल्यू और एक्सपोर्ट टू एक्स है तो एक्सपोर्ट की वैल्यू टू इंटू ट्वेंटी टू थाउजेंड विच इज़ फोर्टी थाउजेंड एक इक्वेशन जनरेट करनी है बस आपको और सिंपल सा क्वेश्चन है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब इस पॉलिसी uh, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया अप्रोच अडॉप्ट किया इससे क्या मतलब है कि बेनिफिट जो है पॉवर्टी एलिवेशन का जो इनका प्रोग्राम चल रहा है इससे क्या हो कि जो भी लास्ट इंसान है मतलब सबको बॉटम तक जाए ये इसका जो बेनिफिट है सबको मिले एक तरह से इसी के लिए वर्ल्ड यूज किया गया है बॉटम ऑफ द पिरामिड लास्ट मैन एट द बॉटम तो सही है गवर्नमेंट यही करना चाहती है क्या ये रियलिटी में हुआ है हमको तो नहीं लगता ऐसा हुआ है तो स्टेटमेंट टू देखते क्या है एम्पेरिकल डेटा ओवर द ईयर हैव शोन दैट ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट ईल्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया सही लिखा दोनों चीज़ सही लिखी तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर मतलब रिसीट्स और पेमेंट दोनों बराबर हैं इट सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस सरप्लस क्यों होगा बैलेंस हो जाएगा वो तो एजन आपका गलत है आर देखते क्या सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज़ अ लेंडर टू अदर कंट्रीज एंड अ डेफिशिट करंट अकाउंट मीन्स दट नेशन इज अ बोबर फ्रॉम अदर कंट्रीज सही लिखा है. अगर सरप्लस में है तो मतलब हम किसी को लोन दे सकते हैं अगर डेफिशिट में मतलब हमने किसी से लोन लिया है बोरो किया है तभी डेफिशिट जनरेट होगा सही लिखा रीजन सही है ए इज़ फॉल्स आर इज ट्रू तो ऑप्शन डी देखे दिया ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू

ये लाइन सही लिखी है आगे देखते हैं क्या इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड एंडूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली इफेक्ट द स्ट्रक्चर फेवरेबल फेवरेबली लिख दिया है, वर्ड नहीं फेवरेबल नहीं था हमारे लिए अनफेवरेबल था गलत लिखा हुआ है सी क्या है लिबरल पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टेरी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली एडवर्सलीफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरन ट्रेड लिबरल पॉलिसी से इफेक्ट नहीं हुआ था तो ये भी गलत लिखा हुआ है ये करेक्ट नहीं है नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहा है तो गवर्नमेंट फेवरेबली इफेक्टेड ये भी क्या फेवरेबल था रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे फेवरेबल होगा नहीं तो ऑप्शन ए ही सही है ए इज़ द करेक्ट लाइन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वो सॉरी वो सेकंड लास्ट था मैच द फॉलोइंग सिचुएशंस तो माइग्रेशन का क्या मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है uh, माइग्रेशन ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड हो सकता है आपका क्योंकि ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है हमारी कंट्री के जो स्किल्स हैं जो टैलेंटेड लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये भी माइग्रेशन है तो ए का थर्ड बेस्ट है तो कोई ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड बी ही दिख रहा है तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तभी देख लेते हैं एक सी वाला देखते हैं चलिए पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट तो देखते हैं क्या है पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत हाई है तो ऐसा क्यों हो रहा है रिड्यूज इन पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ इसका रीज़न दिया हुआ है कि पर कैपिटा जो है वो डाउन हो जाएगा क्यों पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इनकम जो है कम होती जाएगी फिर लोगों की तो पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी रिड्यूस होगी सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन बी सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे